गाइस, मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है और अपने आईओटी लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज के लेक्चर सीरीज में हम सिमुलेशन से रिलेटेड एक और नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। आज के प्रोजेक्ट में गाइस हम यूज करेंगे पुश बटन का। पुश बटन का यूज करके आज हम अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए आप कि पुश बटन होता कौन सा है। तो यहाँ से देखिए, हम पुश बटन को लेते हैं। ये होता है आपका पुश बटन। अब हम इसको पुश बटन क्यों बोलते हैं, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पे एक मिडिल में बटन होता है जिसको पुश किया जाता है। जब इस बटन को पुश किया जाता है तब टर्मिनल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे करंट पास होता है। ठीक है, तो हम ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक पुश बटन हो और जब हम इस पुश बटन को प्रेस करें तब हमारे पास एक एलईडी है। ये वाली एलईडी हमारी ब्लिंक हो जानी चाहिए जब हम यहाँ पे पुश बटन को पुश करें। ये जो प्रोजेक्ट है गाइस, मैं आपको बता देती हूँ किसके सिमिलर है। ये प्रोजेक्ट गाइस सिमिलर है जैसे हमारे घर में एक मेन पावर का स्विच होता है जिसको हम बोलते हैं एमसी। ठीक है, यदि वो एमसी अप रहती है तो हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है सब में कंटिन्यू पावर आती रहती है। ठीक है, जब तक वो एमसी ऑन है कंटिन्यू पावर हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आ रही है। यानी अगर हम अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चलाते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में सप्लाई है वो मेन एमसी से ही मिलती है। मान लीजिए वो एमसी को हम बंद कर देते हैं, डाउन कर देते हैं, तो हमारे घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो वर्क करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे घर में एक मेन स्विच होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, जिसको हम एमसी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, जब वो ऑन है, मतलब वो ऑन है तो कंटिन्यू वो क्या करती है, करंट को फ्लो करती जाती है सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, और जैसे वो ऑफ हो जाती है, एमसी डाउन हो जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में बंद हो जाता है। इसी प्रकार गाइस हमारा जो प्रोजेक्ट है कुछ इससे ही मिलता जुलता है, जिसमें हमारे पास क्या है, ये पुश बटन है। जब हम इस पुश बटन को पुश करेंगे और जब तक हम इस बटन को पुश ही रखेंगे तब तक जो एलईडी हमारी वो ऑन रहेगी, और जैसे हम इस पुश बटन को प्रेस करना या पुश करना बंद कर देंगे यानी हम बटन को रिलीज कर देंगे तो जो एलईडी है वो हमारी क्या हो जाएगी, स्वतः ही ऑफ हो जाएगी। इस तरीके का प्रोजेक्ट गाइस हमको यहाँ पर बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट के लिए गाइस अब आप समझ ही गए कि हमको पुश बटन के द्वारा एलईडी को ओपन करना है, तो हमें एक पुश बटन की आवश्यकता तो है, साथ ही साथ में किसकी आवश्यकता है, एलईडी की। अब इसको कनेक्ट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, हमारे आर्डिनो बोर्ड की। तो तीन इक्विपमेंट्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं, अब बारी है इनको कनेक्ट करने की। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए गाइस हमको किसकी आवश्यकता होती है, रजिस्टर की। तो अब हम रजिस्टर लेकर आएंगे, हमें पुश बटन को भी कनेक्ट करना है और एलईडी को भी, तो इसके लिए हम दोनों के लिए एक रजिस्टर की आवश्यकता रहेगी। तो दोनों के लिए हमें रजिस्टर ले लिया। ओके, अब एलईडी का कनेक्शन आपको पता है कि हम एलईडी को कनेक्ट किस तरीके से करते हैं। ओके, सो चलिए एलईडी को कनेक्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं जो एलईडी में कैथोड है उसको हम रजिस्टर के टर्मिनल 2 से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम एलईडी के सेकेंड टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं रजिस्टर को। ये रहा, इसका जो कलर है वो मैं ब्लैक ले लेती हूँ, और ये रहा है ना। अब जो रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट होता है गाइस, वो कनेक्ट होता है ग्राउंड से। अब जो एनोड नोड है इसको हम सीधे किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमने इसको ट्रायल नंबर से कनेक्ट कर दिया। ओके, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने इसका कलर रेड दे दिया। ये हो चुका हमारा एलईडी का कनेक्शन। नाउ हम कनेक्ट करते हैं अपने पुश बटन को। पुश बटन को कनेक्ट करने के लिए गाइस हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टर होता है। ठीक है, रेजिस्टर को हम कनेक्ट करना सीखते हैं। रेजिस्टर को कनेक्ट करने के लिए सेम टर्मिनल 2A है, इसको आप क्या करिए, रेजिस्टर से कनेक्ट कर दीजिए। ओके, नाउ उसके बाद अब जो रेजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल है वो हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट होता है। तब आप कहेंगे ग्राउंड तो हमारा डिजिटल पे यही है और इस पर ऑलरेडी एक पिन कनेक्ट है, अब हम अगला कनेक्शन कहाँ करें। तो देखिए आप जो पिन का जो ये सेट है यानी पिन के जो हॉल है इसमें आप एक से अधिक पिन्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी पाबंदी नहीं है कि एक पिन लगा रही तो आप दूसरी पिन आप नहीं इससे कनेक्ट कर सकते, यानी ग्राउंड से। ठीक है, तो हम इसमें सेम जो रजिस्टर से कनेक्ट है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड से। इसको हम यहां से निकाल देते हैं।
बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आपका एक जब आप पिन पर लाते हैं तो एक रेड पॉइंट बनता है, और वही आपको क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं, इसका कलर भी हम यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, जो टर्मिनल 2A है इसको भी हम डिजिटल पिन से कनेक्ट करते हैं। सपोज गाइस यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं नंबर 2 पर। ठीक है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम दे देते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर। ओके, अब गाइस बारी आती है पावर सप्लाई की, तो हम पावर सप्लाई कैसे देंगे, तो ध्यान से देखिए, पावर सप्लाई के लिए गाइस पुश बटन की आप फर्स्ट वी यानी 1B टर्मिनल पे जाइए। 1B टर्मिनल पे जाने के बाद अब आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। अब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं किस लिए, पावर के लिए, तो हम यहाँ पे 5 वाट के पावर से इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जो ये इसका कलर चेंज कर देते हैं, ऑरेंज कर देते हैं। ओके गाइस, तो ये थे आपके पुश बटन के कनेक्शन। अब ये आपका आर्किटेक्चर पूरा बनके तैयार हो गया है। अब बारी आती है गाइस कोडिंग की, तो चलिए आइए हम करते हैं अब इसकी कोडिंग। कोडिंग देखने के लिए गाइस आप कोड सेक्शन पर जाइए, जो हमारा पुराना कोड इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, कोड हट गया। अब गाइस अब हमें आवश्यकता है यहाँ पे कोड बनाने से पहले एक वेरिएबल डिफाइन करने की। वेरिएबल क्यों ले रहे हैं, वेरिएबल क्या करता है, एक मेमोरी लोकेशन तैयार करता है जिसके अंदर हम डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे डेटा को स्टोर करना क्यों पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या है कि जब हम इस बटन को पुश करेंगे, ठीक है, और पुश करेंगे और जब तक हम इसको पुश रखेंगे कंटिन्यू, तब तक हमारी LED क्या होगी, ऑन होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो जब हम पुश करेंगे अपने बटन को, तो ये जो बटन है पुश के दौरान यानी जब तक हम पुश होने पर या जब तक हमने पुश रखा है, तब तक ये क्या करेगा, करंट को सप्लाई करेगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी जो प्लेट्स है यहाँ पे क्या करता है, करंट को सप्लाई करता है। तो अब ये जो प्लेट्स में जो करंट को सप्लाई करेगा वो करंट कहाँ पहुंचेगा, Arduino की सेकंड नंबर पिन पे। ठीक है, अब करंट कहीं ना कहीं जाके तो स्टोर होगा ना, क्योंकि करंट जब होगा तभी तो LED जलेगी। हम जब इसको पुश करेंगे तो करंट कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा, जिसके जिससे क्या होगा, हमारी LED जलने लग जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये जो करंट पास होगा, इस करंट को स्टोर करने के लिए हमें एक मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता होती है। तो वो मेमोरी लोकेशन के लिए हमें बनाना होगा एक वेरिएबल। ओके, सो वेरिएबल डिफाइन करना एक बहुत ही सरल टास्क है। इसके लिए आप कोड पर जाइए, कोड के बाद यहाँ पे देखिए वेरिएबल का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो वेरिएबल पे क्लिक करिए और फिर क्लिक कर दीजिए आप क्रिएट वेरिएबल पे। क्रिएट वेरिएबल में जाने के बाद अब आप यहाँ पे कर दीजिए बटन 1 और इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, नेम लिखना है। अब नाम जरूरी नहीं कि मैंने बटन 1 लिखा है तो आपको ही बटन 1 लिखना है, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, आप ABC नाम भी दे सकते हो। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी Arduino की चिप है ना, उसकी मेमोरी के अंदर एक मेमोरी को मैंने रिजर्व कर लिया और उस मेमोरी को नाम दे दिया मैंने बटन 1। ठीक है, मैंने मेमोरी रिजर्व कर ली यानी मैंने एक छोटी सी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली जिसके अंदर मैं क्या करूंगी, करंट को स्टोर कराऊंगी। ठीक है, और जो मेमोरी मैंने ऑक्यूपाई की उसका नाम क्या है, बटन 1। कोडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्या है, जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे, इनको प्रेस करते ही ऑन होगी, और जब तक हम इसको पुश रखेंगे तब तक हमारी LED ऑन होती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पुश बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो कंटिन्यू वो करंट को पास करेगा और वो जो मेमोरी के अंदर मैंने बटन नाम 1 नाम का मेमोरी लोकेशन बनाया है उसके अंदर करंट कंटिन्यू रूप में क्या रहेगा, स्टोर रहेगा, जिससे मेरी LED जलेगी। तो यहाँ पे जब प्रेस करते हैं तो वो इनपुट है और LED चल रही है वो आउटपुट है। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे 2 सेक्शन में, एक इनपुट भी और आउटपुट भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट चेक कर लेते हैं कि हमारा इनपुट काम कर रहा है या नहीं। जब इनपुट काम करने लग जाएगा तब हम आउटपुट सेक्शन में चलेंगे। ठीक है, इनपुट काम कर रहा है यानी उसके लिए क्या है, यानी हम चेक करते हैं कि हम पुश बटन को जब प्रेस कर रहे हैं तब बटन 1 नाम की मेमोरी लोकेशन के अंदर करंट स्टोर हो रहा है या नहीं, इसको हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आइए कोड सेक्शन में चलते हैं। कोड सेक्शन में जाने के बाद अब हम कोडिंग करना यहाँ पे शुरू करते हैं ब्लॉक के द्वारा।
यहाँ पे सबसे पहले इनपुट देखना चाहते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि जब हम पुश बटन को हाई करें यानी पुश बटन को ऑन करें तो उस समय बटन 1 नाम की मेमोरी लोकेशन के अंदर करंट स्टोर हो जाए, यानी हम अपने करंट को बटन 1 के अंदर सेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बटन 1 की जो सेट बटन वाली कोडिंग है इसको आप लिख रहिए, ठीक है। बटन 1 में क्या सेट करना है, बटन 1 में उस करंट को सेट कर दो जो 2 नंबर के डिजिटल पिन से आ रहा है। बेसिकली इसमें जो आर्डिनो बोर्ड है इसमें जो करंट आएगा वो किससे आएगा, आपके 2 नंबर पिन से। तो हम कह रहे हैं कि बटन 1 के अंदर जो डिजिटल पिन सेकंड से डेटा आ रहा है उसको तुम क्या कर दो, स्टोर कर दो। तो इसके लिए ये चीज क्या है, बेसिकली जो करंट आ रहा है ये इनपुट है। तो हम इसके लिए चलते हैं इनपुट के सेक्शन में और यहाँ पे हमको मिलता है रीड डिजिटल पिन। तो हम यहाँ से रीड डिजिटल पिन को लेकर आते हैं और यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो ये हमारी एक पूरी लाइन तैयार होगी। इस लाइन में हमने अपने कंपाइलर को आदेश दिया कि तुम क्या करो, जब बटन पुश करेगा यूजर तो यहाँ से जो पावर सप्लाई होगी, जो करंट पास होगा सेकंड नंबर की पिन पर, उस करंट को तुम बटन 1 के अंदर सेट कर दो। ये इस लाइन का मतलब हो गया। ओके, तो अब जब आप प्रेस करेंगे बटन को तब क्या होगा, पावर सप्लाई होगी। पावर सप्लाई होने पर जो करंट है वो यहाँ पे चिप के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि करंट चिप के अंदर स्टोर हो रहा है, हमें तो यहाँ पे करंट पास होते हुए दिखेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमको अपने सॉफ्टवेयर में देखना होता है कि हम जो आंकड़े सिस्टम को दे रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन का। सो आउटपुट स्क्रीन हमें कहाँ मिलती है यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए सीरियल मॉनिटर लिखा हुआ है। जब आप सीरियल मॉनिटर को क्लिक करते हैं तो इस तरीके की आउटपुट स्क्रीन आ जाती है। ओके, देखने के लिए जब हम पुश बटन को पुश कर रहे हैं तब करंट बटन 1 नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको चेक करने के लिए हम सीरियल मॉनिटर की सहायता लेंगे, ठीक है। अब सीरियल मॉनिटर में हमको करंट कैसे पता चलेगा, सीरियल मॉनिटर में हमें करंट ऐसे पता चलेगा, यदि बटन 1 के अंदर करंट सेट हो रहा है तो हमको वैल्यू 1 मिल जाएगी, और करंट सेट नहीं हो रहा यानी करंट पास नहीं हो रहा तो वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी। ओके, अब हमको सेटिंग ये करनी है कि हमारा जो डाटा जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। यानी अब हमको जो कमांड पे चलना है वो चलना है प्रिंट की कमांड पर, ठीक है। अच्छा, जो प्रिंट की कमांड है वो कहाँ पर आ रही है, सीरियल मॉनिटर पे, यानी हम आउटपुट के रूप में देख रहे हैं प्रिंट होते हुए। तो इसके लिए अब आपको चलना होगा यहाँ पे आउटपुट के सेक्शन में, और आउटपुट के सेक्शन में जाके अब आप क्या करो, आउटपुट के सेक्शन में जाके आप यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा सा, ये जो सीरियल मॉनिटर अभी मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए हमको एक कमांड मिली प्रिंट वाली, सो प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ, ठीक है। अब सेकंड लाइन में मैं आदेश दे रही हूँ कंप्यूटर को, कमांड दे रही हूँ अपने सिस्टम को कि तुम क्या करो, प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर, यानी सीरियल मॉनिटर में तुम क्या कर दो, प्रिंट कर दो। अब क्या प्रिंट कर दो, सीरियल मॉनिटर में मुझे प्रिंट करवाना है वो वैल्यू जो बटन 1 नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर हो रही है। यानी अगर करंट पास हो रहा है तो बटन 1 के अंदर करंट की करंट स्टोर है यानी 1 वैल्यू, और मान लो करंट पास नहीं हो रहा तो वैल्यू क्या आ रही है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बटन 1 की। तो इसलिए अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह हम चलते हैं वेरिएबल पे और यहाँ पे सेट कर देते हैं बटन 1। ओके, नाउ अब हमने सिमुलेशन को यहाँ पे स्टार्ट किया है। अब स्टार्ट करने के बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए मैंने सेटिंग कर दी, मैंने कोड भी कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक गलती की है जो जानबूझ के की है ताकि आपको मेरी गलती समझ में आए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कोड दिया है कि मैं जब पुश बटन को पुश कर रही हूँ तब पुश बटन में से क्या हो रहा है, पावर सप्लाई हो रहा है, और पावर सप्लाई होके वो कहाँ स्टोर हो रहा है, बटन नंबर 1 के अंदर। सो अभी जब बटन नंबर 1 के अंदर पावर सप्लाई होगा यानी बटन नंबर 1 के अंदर करंट स्टोर होगा, तब मेरी करंट जो बटन 1 है उसकी स्टेटस जो है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1, जब करंट सप्लाई होगा। और जब करंट सप्लाई ही नहीं हो रहा तब वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब देखिए मैं तो अभी करंट दे ही नहीं रही हूँ ना, करंट सप्लाई नहीं कर रही हूँ, फिर भी वैल्यू 1 क्यों आ रही है। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो गलती करते हैं उन्होंने यहाँ पे आपको बताइए, सबसे पहले स्टॉप सिमुलेशन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए रीड डिजिटल पिन, मैंने यहाँ पे डिजिटल पिन को सेट ही नहीं किया कि तुम 2 नंबर से रीड करो, ठीक है। यहाँ कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ,
यहाँ मैं कह रही हूँ कि बटन वन नाम की मेमोरी लोकेशन के अंदर तुम क्या करो, सेकंड नंबर पिन से जो, यानी सेकंड नंबर की डिजिटल पिन से जो इनपुट आ रहा है उसको क्या कर दो, बटन नंबर वन के अंदर सेट कर दो। तो यानी सेकंड नंबर पिन से जो करंट आ रहा है वो बटन नंबर वन पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दी अपना स्टार्ट सिमुलेशन। देखिए क्या ये वर्क करेगा। देखिए अब देखिए वैल्यू जीरो हो गई, मैंने अभी कोई भी बटन प्रेस नहीं किया है, बटन प्रेस नहीं किया, पुश नहीं किया, यानी करंट ही नहीं जा रहा, करंट जा ही नहीं रहा तो बटन वन के अंदर स्टोर भी नहीं हो रहा, यानी बटन वन मेमोरी लोकेशन मेरी क्या है, खाली है, लो है, तो इसलिए रिजल्ट क्या मिल रहा है मेरे को यहाँ पे, जीरो। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, मैं अपने माउस की लेफ्ट की प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने लेफ्ट की प्रेस की और प्रेस रखी हुई है तो वैल्यू मेरे को सीरियल मॉनिटर पे क्या मिल रही है, वन मिल रही है। रिलीज करती हूँ, जीरो हो गई, वापस प्रेस करती हूँ, वन हो गई, रिलीज कर रही हूँ, जीरो हो गई। ओके, सो क्या हो रहा है, जब मैं बटन वन को प्रेस करती हूँ तो करंट सप्लाई हो रहा है, कहाँ करंट सप्लाई हो रहा है, पिन नंबर टू में। और हमने यहाँ पे इसको कोडिंग में यही बोल दिया कि जो बटन वन है यानी मेमोरी लोकेशन जो बनाई है हमने बटन वन, उसके अंदर तुम क्या करो, रीड डिजिटल पिन नंबर टू, डिजिटल नंबर पिन से जो डेटा आ रहा है उसको क्या करो, रीड करो, यानी अपने मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर कर दो। तो जब हम मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो बटन वन के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज हमने सेकंड लाइन में लेके, हमने कहा प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर बटन वन, यानी बटन वन के अंदर जो भी स्थिति है तुम अभी उसको क्या कर दो, प्रेस कर दो। तो अभी तो देखिए मैंने मॉनिटर रिलीज कर रखा है क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ पर है, कर्सर मेरा यहाँ पर है। अब इसी कर्सर को मैं यहाँ लेकर आती हूँ और प्रेस करती हूँ तो प्रिंट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको इनपुट सेक्शन समझ में आ गया होगा कि इनपुट सेक्शन में करंट किस तरीके से सप्लाई हो रहा है। ना अब गाइस हम चलते हैं आउटपुट सेक्शन में। अब हम देख रहे हैं कि जो हम इनपुट दे रहे हैं यानी बटन को जब हम प्रेस कर रहे हैं, तब आपने इतना जान लिया कि जब हम बटन को प्रेस कर रहे हैं तब जो करंट जो पास हो रहा है वो बटन वन नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब जो बटन वन के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है यानी करंट स्टोर हो रहा है, उसके द्वारा अब हम एलईडी को ऑन करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम क्या करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि हमारी एलईडी ऑन हो जाए, लेकिन एलईडी ऑन होने के लिए हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब हम सीरियल मॉनिटर ओपन कर रही हूँ कि जब हम बटन पुश करें, ठीक है, जब हम बटन पुश करें, और बटन देखिए मेरा पुश है क्योंकि वन आउटपुट आ रहा है, जब तक ये बटन पुश रहेगा तब तक एलईडी ऑन रहेगी, यानी बटन से जब तक सप्लाई ऑन रहेगा एलईडी ऑन रहेगी, ठीक है। तो बटन से जब तक सप्लाई ऑन रहेगा तब तक क्या होगा, बटन वन नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर करंट स्टोर रहेगा, ठीक है। तो जब तक बटन नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर करंट स्टोर है यानी बटन वन नाम के मेमोरी लोकेशन की वैल्यू हाई यानी वन है, तब तक एलईडी की वैल्यू वन रहेगी, ठीक है। अब मैं रिलीज कर दियो, ओके, ठीक है, समझ में आया। तो जब मेमोरी लोकेशन की वैल्यू हाई है तब एलईडी की वैल्यू भी हाई होगी, तो जो स्टोर है तब हमारी एलईडी क्या हो रही है, ऑन हो रही है। तो यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है, यदि, यहाँ पे ध्यान से सुनिए कंडीशन क्या है, यदि बटन वन के अंदर करंट स्टोर है तो एलईडी क्या हो रही है, ऑन हो रही है, अन्यथा एलईडी बंद है, ठीक है। तो जो यदि वाली बात बोली उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट, ठीक है। और जो हमने अन्यथा वाली बात यूज की कि यदि करंट स्टोर है तो एलईडी ऑन है, अन्यथा एलईडी बंद है, तो अन्यथा के लिए हम यूज करते हैं एल्स का। यहाँ भी हमें ऐसी कोई कोडिंग करनी होती है, यदि ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, अन्यथा ऐसा हो जाए। तो इस तरीके की जो कोडिंग होती है उसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे हमको इफ एल्स स्टेटमेंट कहाँ मिलेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए आप यहाँ पे चलिए कंट्रोल सेक्शन में। कंट्रोल सेक्शन में जब आप जाते हैं, ये सीरियल मॉनिटर को मैं ऑफ कर देती हूँ, हटा देती हूँ, जब हम कंट्रोल सेक्शन पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें इफ एल्स मिल गया। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इफ एल्स को लेकर आते हैं। अब इफ एल्स को हम लेकर आए, अब इफ क्या होती है, इफ एल्स क्या होती है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि कंडीशन होती है, यदि ऐसा है तो ऐसा हो जाए। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं यदि, तो ये वाली लाइन अभी सिर्फ और सिर्फ हम इफ स्टेटमेंट की लाइन को लिखना यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो इफ क्या स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यदि बटन वन मेमोरी लोकेशन के अंदर
डेटा है यानी बटन वन मेमोरी लोकेशन के अंदर करंट स्टोर है, तो जो एलईडी है वो क्या हो जाए, ऑन हो जाए। यानी बटन वन की अगर वैल्यू हाई है यानी वन है, तो एलईडी की पोजीशन भी क्या हो जानी चाहिए, वन हो जानी चाहिए। तो दोनों पोजीशन क्या हो जानी चाहिए, वन। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है, यदि लोकेशन के अंदर वैल्यू हाई है तो एलईडी की वैल्यू हाई है, मेमोरी लोकेशन की वैल्यू लो है तो एलईडी की वैल्यू लो है, दोनों का यानी वन टू वन एक जैसा रेशियो आ रहा है, जीरो जीरो या वन वन एक जैसा रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक स्टेटमेंट आता है मैथ में, जिसको हम वन वन वाले सेंटेंस के नाम से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको वन वन वाला सेंटेंस दिख रहा है, अब यहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं। ठीक है, एक में प्लस साइन है और एक में स्मॉलर देन, हमें स्मॉलर देन वाला साइन वाला लेकर यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जो वन लिखा है ना यहाँ पे हमें बटन को शिफ्ट करना होगा। तो हम वेरिएबल पे गए, यहाँ पे हम बटन वन पर गए और बटन वन को लेकर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे लेस देन की जगह हमने यूज कर दिया इक्वल का साइन। ओके, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यदि बटन वन की वैल्यू हाई है यानी बटन वन के अंदर डेट करंट स्टोर है, ठीक है, तब क्या हो जाए, ऐसी कंडीशन में जो हमारी एलईडी है वो ऑन हो जाए। अब एलईडी ऑन होने के लिए क्या होगा, यहाँ पे करंट आएगा। ठीक है, तो करंट कहाँ पर आएगा, 12 नंबर पिन पे, क्योंकि ये 12 नंबर पिन से कनेक्ट है। तो अगर बटन वन की वैल्यू हाई है तो हम कह रहे हैं कि जो 12 नंबर की पिन है ये भी क्या हो जाए, हाई हो जाए, यानी सेट पिन 12 इज हाई। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली जो हम सेट कर रहे हैं एलईडी, ये क्या है हमारा आउटपुट है ना, ये जो एलईडी पे हमको मिलेगा वो है आउटपुट। तो हम चलते हैं अब आउटपुट वाले सेक्शन पे, और आउटपुट वाले सेक्शन पे हम यहाँ पे सेट करते हैं सेट पिन। ठीक है, अब कौन से नंबर के पिन को हमें हाई करना है, तो हमें हाई करना है यहाँ पे 12 नंबर के पिन को हाई। ठीक है, तो ठीक है, तो हमने इस लाइन में बोला यदि बटन वन के अंदर हाई डेटा स्टोर है यानी करंट स्टोर है, तो 12 नंबर की पिन को आप क्या कर दो, हाई कर दो। ओके, अब दो कंडीशन है, या तो बटन वन के अंदर करंट स्टोर है या नहीं है। यदि मैं बटन को प्रेस कर रही हूँ, पुश बटन को प्रेस कर रही हूँ, तो बटन वन के अंदर करंट है यानी उसके अंदर डेटा है, और नहीं कर रही हूँ तो डेटा नहीं है। दो स्थिति है, तो एक स्थिति समझ में आएगा कि बटन वन के अंदर डेटा है। ठीक है, तो यदि बटन वन के अंदर डेटा है तो ऐसा हो जाए, अन्यथा, अन्यथा का ऑप्शन क्या हो गया, अन्यथा मतलब बटन वन के अंदर डेटा नहीं है, एक ही चीज होगी ना, या तो उसके अंदर डेटा होगा या नहीं होगा। वन के अंदर डेटा नहीं है तो क्या हो जाए, उस समय सेट पिन को हम दोबारा यहां पर लेकर आते हैं और बोलते हैं जो 12 नंबर की पिन है वो क्या हो जाए, लो हो जाए। यानी बटन वन के अंदर यदि करंट स्टोर है तो सेट 12 की वैल्यू हाई हो जाए, यानी सेट यानी एलईडी जो 12 नंबर पे सेट है उसकी वैल्यू हाई हो जाए, अन्यथा जो 12 नंबर पे सेट एलईडी है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, लो हो जाए। ओके, सो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है, क्लिक करते हैं स्टार्ट सिमुलेशन पे। स्टार्ट सिमुलेशन पे हम गए, अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो पुश बटन है इसको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से अपने माउस के द्वारा लेफ्ट बटन से क्लिक कर रही हूँ। देखिए मैंने क्लिक करा है और क्लिक इसको बनाए रखा है, तो जब तक मैंने इसको पुश बनाए रखा है यानी जब तक मैं इसको कंटिन्यू पुश कर रही हूँ एलईडी जल रही है, और जैसे मैं इसको रिलीज करती हूँ, देखिए मैं रिलीज करने जा रही हूँ, मैंने माउस के बटन को रिलीज कर दिया तो एलईडी बंद हो चुकी है। अब यहाँ पे एक काम और कर दीजिए, जो रजिस्टर्स हैं इनकी वैल्यूज बढ़ा दीजिए। इसकी वैल्यू मैंने कुछ सेट की थी वो आप देख लीजिएगा, जो एलईडी है इस रजिस्टर की वैल्यू मैंने 330 ओम सेट की थी, इसे शट डाउन हो गया था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, और जो स्विच है उसकी वैल्यू मैंने 10 किलो ओम सेट की थी। ठीक है, तो ये सेटिंग की थी और पीसी शट डाउन हो गया था जैसा कि मैंने आपको बीच में बताया। ठीक है, तो इस कारण ये चीज रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, अब ये आपका ब्लॉक के रूप में तैयार हो चुकी कोडिंग। अब हम इसको लेते हैं कि टेक्स्ट में ये किस तरीके से काम कर रही है, तो उसके लिए आप सबसे पहले स्टॉप सिमुलेशन कर दीजिए। स्टॉप सिमुलेशन के बाद अब आप जाइए कोड के सेक्शन में ब्लॉक्स पे जाइए, और यहाँ से आप जस्ट क्लिक कर दीजिए टेक्स्ट और कर दीजिए यहाँ पे कंटिन्यू। तो देखिए जो भी हमने ब्लॉक के रूप में कोड करना सीखा था वो पूरा कोड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है।